हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी चलिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य शराब को प्रोत्साहित करना नहीं है। तो शराब के हानिकारक होने के बावजूद भी सरकार सैनिकों को शराब पीने से रोकती क्यों नहीं है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब भी जहन में सैनिक का नाम आता है तो एक ऐसा चरित्र हमारे सामने आता है जो अपने समर्पण, डेडिकेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक सैनिक समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी देश रक्षा के लिए दे देता है। तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी निभाते निभाते वह अपने परिवार से भी अलगाव महसूस करता है। कई महीनों तक, वर्षों तक वो अपने घर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उनको अकेलापन फील होता है और शराब उनके अकेलेपन में साथी बनती है। इसका दूसरा कारण ये है कि कभी कभी जवानों को ड्यूटी के लिए ऐसे स्थानों पर जाना होता है जो मानव के रहने के लिए या वहाँ काम करने के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती। जैसे लेह लद्दाख है, तिब्बत है, सियाचिन ग्लेशियर आदि, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और सर्दियों में -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में शराब पीने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे मुस्तैद होकर सेना के जवान अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। तीसरा रीज़न है कि तनाव से बचाना, क्योंकि व्यक्तिगत कारण और पारिवारिक समस्याएं तथा घर की याद आने से सैनिकों पर भावनाएं उनकी ड्यूटी पर हावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो डिप्रेशन में और तनाव में चले जाते हैं। तो शराब पीने से वो अपने तनाव से थोड़ी उनको राहत मिलती है और वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करते हैं। ब्रिटिश काल से ही शराब का उपयोग सेना में होता रहा है। सरकार भी इसके लिए सीमित बजट निर्धारित करती है, जिससे सस्ती दरों पर सैनिकों को शराब उपलब्ध हो सके। परंतु यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है, शराब की एक उचित मात्रा ही जवानों को दी जाती है, जिससे इसका असर उनकी ड्यूटी पर नहीं पड़े। तो दोस्तों, अब आप मुझे सजेस्ट करना कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, उसके लिए आप कमेंट करना।